जिग्नेश मेवानी बोले, अगर स्मृति ईरानी अपनी येल यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से HRD मंत्री बन सकती हैं तो। इस मामले पर दिल्ली सरकार का कहना है कि मोदी सरकार आतिशी मार लेना को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वे देश की राजधानी में शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रही हैं। आतिशी मार लेना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार थीं। गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्विटर हैंडल पर जिग्नेश मेवानी ने लिखा, अगर स्मृति ईरानी अपनी येल यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से HRD मंत्री बन सकती हैं तो एक असली रोड स्कॉलर आतिशी मार लेना से BJP को इतना डर क्यों है? असली डिग्री के साथ वो शिक्षा में असली काम कर रही थी। इसलिए आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी ने यह बात उस समय कही है जब केंद्र द्वारा हाल ही में दिल्ली सरकार के 9 सलाहकारों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर दिल्ली सरकार का कहना है कि मोदी सरकार आतिशी मार लेना को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वे देश की राजधानी में शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रही थीं। मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, इस आदेश के पीछे का मकसद केवल आतिशी मार लेना को निशाना बनाना है क्योंकि वे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रही थीं। मैं BJP को चुनौती देता हूं कि वे एक भी ऐसा राज्य ढूंढते जहां पर एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किए गए और हम यहां दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। आतिशी मार लेना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार थीं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस विषय में कहा था कि यह नियुक्तियां बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के द्वारा की गई थीं और इनकी भूमिकाओं के लिए मंजूरी देना दिल्ली सरकार के दायरे के अंदर नहीं आता। उपराज्यपाल अनिल बैजल के अधीन काम करने वाले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिन 9 सलाहकारों की नियुक्ति को रद्द किया गया है उनमें अमरदीप तिवारी, अरुणोदय प्रकाश, राघव चड्ढा, आतिशी मार लेना, दिनकर आदिब, राम कुमार झा, समीर मल्होत्रा और प्रशांत सक्सेना शामिल हैं। इस मामले के बाद एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।